Hi everyone, this is Anuj and I am your mentor on this platform. So welcome everyone to Fundline by Anuj official YouTube channel. So दोस्तों कल एक वीडियो बनाई थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल स्कैम को लेके घोटाले को लेकर और आप सभी लोगों को कहा था हम एक ट्विटर कैंपेन चलाएंगे जिसके अंदर हम ट्वीट करेंगे कि भाई ये जो स्कैम हुआ है इसके ऊपर आप कोई एक्शन लिया जाए और उसकी डेट हमने आज की 11 बजे टाइम डिसाइड किया था. मैंने तो ट्वीट कर दिया, आप में से जितने लोगों ने भी ट्वीट किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया. और अगर आपने अभी तक ट्वीट नहीं किया है तो आप भी अपने ट्विटर हैंडल से जाइए और ट्वीट कीजिए. ट्विटर पे क्या लिखना है, क्या ट्वीट करना है, उसके लिए आप चैनल पर जाकर एक 30 सेकंड की वीडियो है वो चीज आप देख लीजिए और वही चीजें आपको वहां पर यूज करनी है. सो दोस्तों कल से जब से वीडियो बनाई है बहुत सारी चीजें देखने को मिली है, बहुत से लोगों ने सपोर्ट भी किया है, उन सबको शुक्रिया. कुछ लोग ऐसे थे जो न्यूट्रल थे, उन्होंने कहा था कि कुछ होना जाना नहीं लेकिन ठीक है आप जो कर रहे हो ठीक है. लेकिन कुछ ऐसा डर खौफ बह भी था जिन्होंने बार बार मचलाने की कोशिश की, ये तो व्यूज के लिए है, ये तो पैसे कमाने के लिए है, ये तो सब्सक्राइबर्स के लिए है, आप कोई ट्वीट मत करो. तो ये डर जो है ना वो सिर्फ सही आदमी को कभी नहीं होगा, ठीक है. जिसने मेहनत से लिया है उसको डर नहीं है, लेकिन जो आदमी गलत है जिसने पैसा दिया है ये उन्हीं के कमेंट्स है, ये उन्हीं के सारी बातें हैं जो उनके अंदर डर है कि कहीं सारे युवा सारे लोग इकट्ठे हो गए तो कहीं तुम्हारे 10-12 लाख तो डूबे नौकरी से भी जाओ और फर्जीवाड़े में तुम्हें जेल ना हो जाए, इसलिए वो सारी चीजें भड़का रहे हैं. लेकिन आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, एक ट्वीट करने में क्या नुकसान है आप बताइए मुझे कि अगर आपने ट्वीट कर दिया उसमें नुकसान क्या है? ना तो आपकी जॉब जा रही है, ना तो आपके साथ कोई और कुछ हो रहा है. लेकिन ये सिर्फ वही लोग कह रहे हैं जिन्हें डर है कि भाई कहीं तुम्हारे रुपए ना डूब जाए और तुम्हारी नौकरी और तुम्हारा कैरियर ना खराब हो जाए. सो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिएगा. तो दोस्तों यहां पर एक नया खेल शुरू है, आप सभी लोगों को एक गलत कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया. कुछ लड़कियां भी हैं, कुछ लड़के भी हैं जिनके माइंड में एक अलग ही बात है कि अगर धांधली हुई है, अगर धांधली में पैसे वाले थे तो कट ऑफ जो है वो कम क्यों रही है, ठीक है. हाई कट ऑफ जानी चाहिए थी और लेकिन यहां पे कट ऑफ तो आप देखते हो कि जो आपका रिटर्न एग्जाम की थी वो भी कम है और इस बार भी कह रहे हैं कि कम जाएगी. तो देखिए मैंने जो मेरा कल वाला थंबनेल था उस पर एक चीज लिखी थी, अगर आपने पढ़ी हो तो मैंने कहीं नहीं कहा कि हाई कट ऑफ जाएगी. मैंने पहले भी कहा कट ऑफ कम है, मैं आज भी कहता हूं कट ऑफ कम है और मैंने मेरे कल के थंबनेल पे भी लगाया कम कट ऑफ पर भी बाहर ना हो जाए 75 वाला. ये मैंने कम कट ऑफ वर्ड यूज किया, क्यों यूज किया है? क्योंकि कट ऑफ तो बिल्कुल कम रहेगी, ये बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है कि कट ऑफ आपकी नहीं बढ़ेगी. लेकिन जो यहां पर खेल चल रहा है ना वो बिल्कुल अलग लेवल का खेल है. यहां पर जो लड़ाई है वो कट ऑफ की लड़ाई नहीं है, ना कल कट ऑफ की लड़ाई थी ना आज कट ऑफ की लड़ाई है. यहां पर जो लड़ाई है वो है धांधली वाले बच्चों को बाहर करने की. अब ये खेल क्या है जरा ये समझने की कोशिश करो और वो खेल अगर आपके समझ में आ गया तो आप कहोगे कट ऑफ जाए तेल लेने, कट ऑफ का तो यहां पर कोई झगड़ा ही नहीं है, कट ऑफ पे तो आपको गुमराह किया जा रहा है, बार बार आपको भड़काया जा रहा है कि कट ऑफ हाई जाएगी हाई जाएगी हाई जाएगी. अरे कट ऑफ हाई नहीं जाएगी मेरे भाई, कट ऑफ बिल्कुल लो जाएगी फिर भी आप बाहर हो सकते हैं. कैसे वो चीज आप समझिए. देखिए बॉयज में धांधली हुई है, ठीक है, ये देखिए बॉयज में धांधली हुई है. मान लो 3300 प्लस बच्चे आपकी वैकेंसी है, ठीक है, बॉयज की 3300 प्लस वैकेंसी है, ठीक है, कट ऑफ का कोई चक्कर नहीं है यहां पे, वैकेंसी इतनी है. दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है, सिर्फ उतने ही बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा या उतने ही बच्चों की लिस्ट आएगी जितने बच्चों की वैकेंसी है. मान लो 3300 बच्चों की वैकेंसी है तो लिस्ट में नाम कितने बच्चों का आएगा, 3300 बच्चों का, ठीक है. अब मैं आपको बताता हूं कट ऑफ यहां पर गई है जर्नल की, मान लो रिटर्न की गई थी 61, अब यहां पर 5 नंबर बढ़ाकर 65 आपके 6 और हम रखेंगे 67, ठीक है. कट ऑफ जो है बॉयज की अनरिजर्व की 66 से 67 के बीच में ही रहेगी, 5 नंबर ही जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी. मैं बोल रहा हूं आपको इससे ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी खतरा क्या है वो अब आप समझिएगा. कट ऑफ का ना झगड़ा कल था ना आज है ना आने वाले वक्त में होगा. खतरा कैसे है, इनडायरेक्टली नए अंदाज का खेल क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए. अब 3300 बच्चे हैं, इन 3300 बच्चों में से आपके मान लो 66-67 आपके नंबर हैं, ठीक है, इसके बाद आपके नंबर 67 से ऊपर वाले मान लो 5000 बच्चे हैं आपके, ठीक है, 5000 बच्चे हैं जिनके 67 से ऊपर नंबर है, ठीक है ना. अब उसमें से बुलाने कितने हैं, 3300, ठीक है,
3300 बच्चे बुलाने हैं 5000 में से। अब 5000 में से 3300 बच्चे कैसे बुलाए जाएंगे, एक बात बताओ। सबसे पहले कैसे, जिसके नंबर सबसे ज्यादा है पहले वो आएगा, फिर उससे नंबर कैसे देखा जाएगा। सबसे पहले 95 नंबर वाले हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट नंबर आपके कितने हैं 95, तो सबसे पहले देखे जाएंगे 95 की लिस्ट में कितने बच्चे हैं, ठीक है। अब 95 की लिस्ट में चेक किया आपने कि भाई यहां पर तो 500 बच्चे हैं आपके, ठीक है, तो सबसे पहले कितने बच्चों को लिया जाएगा, 95 वाले को, ठीक है। तो यहां पर 3300 टोटल है, उसमें से 500 बच्चे ले लिए गए 95 वाले, ठीक है। और ये 95 वाले कौन है, धांधली वाले, सुनना पूरी बात को। 500 आगे, अगला नंबर सेकंड हाईएस्ट कट ऑफ आपकी 90 का चेक करो भाई कितने हैं, 90 में कितने बच्चे, 500 बच्चे, ठीक है, 500 बच्चे 90 के एंट्री ले ली इन्होंने, ठीक है। थर्ड हाईएस्ट चेक करो 85, कितने बच्चे, 500 बच्चे, ठीक है। मतलब यहां तक ये सारे जो 85 वाले 90 वाले 95 वाले हैं, इनने सबने 1500 सीटें तो यहां पर भरी ली आपकी, ठीक है, 1500 सीटें भर ली, 1800 सीटें आपके पास बची है, ठीक है ना, 1800 सीटें बची है। अब यहां पर धांधली वाले हो गए खत्म, ठीक है, 1500 पे मान लो धांधली वाला खत्म, 1800। अब इन 1800 में से वो बच्चे आएंगे जिन्होंने मेहनत की है, ठीक है, समझ में आ गया इतना फंडा। अब आप एक बात समझने की कोशिश करो, अगर ये बच्चे 95, 90, 85 वाले नहीं होते, और अगर ये लिस्ट 90 की जगह 75, 78 से स्टार्ट होती, तो ये 1500 जो बच्चे हैं ना, ये वो वाले बच्चे होते जिन्होंने अपने हाथों से मेहनत किया दिन रात, ये तो वो भर गए जिन्होंने धांधली की है, जबकि कट ऑफ 67 है, फिर भी ये सिलेक्शन ले गए। और अगर यहां कट ऑफ 70 होगी तब भी ये सिलेक्शन लेंगे, कट ऑफ से इनका लेना देना है ही नहीं, अलग लेवल का गेम चल रहा है, अलग लेवल का खेल चल रहा है, बाप को बहकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। कट ऑफ बिल्कुल, अगर आपकी कट ऑफ यहां पर ये 1500 बच्चे हमारी लड़ाई है, इन्हें भार करो, इन्हें भार करके ये 1800 में से जो 1500 हैं, ये वो बच्चे भरो जिन्होंने सच में मेहनत की है, ठीक है, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर दिन रात एक करके सपने को जगा के अपनी मेहनत की ना, ये 1500 वो बच्चे होने चाहिए, ना कि ये 1500 वो बच्चे होने चाहिए जिन्होंने 90, 95, 85 नंबर लिए, ठीक है। ये अगर हट जाएंगे तो इनकी जगह जो नंबर चलेंगे ना, जहां से कट ऑफ के बाद, वो बिल्कुल कम वाले चलेंगे, और ये वो 1500 वो बच्चे और लिए जाएंगे जिन्होंने मेहनत की है, ठीक है। सो यहां पर लड़ाई कट ऑफ की तो है ही नहीं, 67 यहां पर ये लो, मैं 65 कर देता हूं, 65 कट ऑफ जाएगी चार नंबर ऊपर, फिर भी ये अंदर घुसेंगे सारे के सारे। हमारी लड़ाई ये नहीं है कि कट ऑफ ऊपर जाएगी, कट ऑफ तो कुछ बच्चे कह रहे हैं, कल तक तो आप बोल रहे थे दो नंबर वाले फिजिकल देने जाओ, तीन वाले भी देने जाओ, मैं खुद कह रहा हूं कि अब भी कट ऑफ कम रहेगी, कल की वीडियो पर भी मैंने लिखा कि कम कट ऑफ पर भी 75 वाले बाहर हो जाएंगे, और आज भी कह रहा हूं कट ऑफ कम रहेगी, लेकिन लड़ाई है इन 1500 को बाहर निकालने की, इन 1500 की जगह उन बच्चों को लेने की जिन्होंने मेहनत की है, ठीक है। अगर 90 से 95 से लिस्ट स्टार्ट होगी ना और 85 तक आएगी, तो 75 वाले का नंबर 1800 के अंदर आएगा या नहीं आएगा, कौन लिख के देगा ये बात बताओ आप। लेकिन अगर ये हट गए 95, 90, 85, तो ये बच्चे जिनके 75 हैं, 76 हैं, जिनके नंबर 70 हैं, उन्हें भी मौका मिलेगा, ठीक है, उन्हें भी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। क्या हुआ, आप सबने फिजिकल क्लियर कर लिया, कट ऑफ क्लियर कर ली, बुलाए तो 3300 ही जाएंगे, इससे ज्यादा थोड़ी ना आपके लिए बुलाया जाएगा, कि आपने अगर क्लियर किया है उसके बाद 1,00,000 लोग क्लियर कर ले, 3300 से एक बच्चा ऊपर नहीं बुलाया जाएगा, 3300 प्लस जितनी वैकेंसी है आपकी, ठीक है। सो यहां पर लड़ाई कट ऑफ की है ही नहीं, जो गलत गुमराह आपको किया जा रहा है, और आप गलत गुमराह हो रहे हैं, क्योंकि ये सोची समझी रणनीति है, सोची समझी चाल है कि बच्चों को सिर्फ ये बहका दिया जाए, कट ऑफ क्यों नहीं बढ़ी, क्यों नहीं बढ़ी, क्यों नहीं बढ़ी। ये इसलिए नहीं बढ़ी कि 67 नंबर के ऊपर भी इनने 1500 ने तो अंदर एंट्री ले ली, लेकिन जो आप रह गए 75 वाले, 76 वाले, 70 वाले, 72 वाले, वो बाहर हो गए हैं सब कुछ होते हुए भी, कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर होते हुए भी। तो असली लड़ाई ये नहीं है कि कट ऑफ कितनी ऊपर जाएगी, कट ऑफ तो वही 4 नंबर 5 नंबर ही ऊपर जानी है, 6 नंबर ऊपर जानी है, इससे ऊपर तो बढ़ेगी नहीं। लेकिन यहां पर जो लड़ाई है वो सिर्फ इनकी है,
1500 बच्चों की, 2000 बच्चों की, कि इन्हें बाहर किया जाए। ये बच्चे बाहर होंगे तो मेहनत वाले को मौका मिलेगा, मेहनत वाला अपना यहां पर अपना सिलेक्शन ले पाएगा, ठीक है। सो यहां पर गलत गुमराह मत हो, यहां पर कट ऑफ अगर 65 भी रहेगी तब भी अंदर आ जाएंगे, कट ऑफ अगर 61 गई थी आपकी रिटर्न की और अगर 62 नंबर भी गई तब भी ये 1500 लोग उन 1500 लोगों का हक मारेंगे जिन्होंने सच में मेहनत की है, 2000 लोगों का हक मारेंगे जिन्होंने दिन रात एक की है। फैसला आपका है, गुमराह होना है, हाई कट ऑफ के चक्कर में पड़ना है, लो के चक्कर में पड़ना है, या मुद्दा ये पकड़ना है कि ये 1500 कैसे बाहर हो। यहां पर ये लड़ाई नहीं है, लड़ाई ये है कि लिस्ट में जो नंबर आएंगे 3300 में ऐड होने वाले वो 95 से ऐड होना शुरू होंगे और अगर ये हट गए तो आपके 78 नंबर से, 76 नंबर से, आपके 80 नंबर से स्टार्ट होंगे और वो बिल्कुल 68, 69 यहां तक भी बच्चे सिलेक्शन लेके जाएंगे। लेकिन अगर ये 90, 95, 80 से शुरू हुए तो बच्चे बाहर बहुत हो जाएंगे, पास करने के बाद भी कट ऑफ को बाहर हो जाएंगे। बात को समझने की कोशिश करो, गलत बोलना है आप बोल लीजिए, आपको कुछ और बोलना है आप बोल लीजिए, लेकिन जो समझाना चाह रहा हूं कृपया वो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। भड़ास निकालनी है निकाल लो यार, कमेंट में जितनी भी निकालनी है, कुछ उल्टा बोलना है बोल लो आप, बिल्कुल बोल लो, लेकिन ये समझने की कोशिश करो उन 1500 बच्चों के लिए सपोर्ट करो जिनकी किस्मत, जिनकी मेहनत, इन्होंने सब कुछ उसके ऊपर छोड़ रखा है। कुछ ऐसे घर है जो सिर्फ लास्ट चांस की वजह से बैठे हैं कि हमारा बेटा लगेगा, घर की हालत सुधरेगी, हमारी बहन है उनकी शादियां हो जाएंगी, हमारी शादियां हो जाएंगी, उन सभी लोगों को सिर्फ इनकी वजह से क्यों बाहर आप कर रहे हो? मेहनत की वजह से बाहर करो यार, उन्होंने नहीं तैयारी करी तो बाहर कर दो आप उन्हें, ठीक है, बिल्कुल कर दो, लात मार के बाहर कर दो यार, उनके नंबर उन्होंने अगर नहीं पढ़ा तो बाहर कर दो, लेकिन सब कुछ करते हुए सिर्फ इसलिए बाहर अगर आप उन्हें करवा रहे हो कि 2000 लोग हैं, ये 10 से 12 लाख 15 लाख आप मुझे क्या बता रहे हो कमेंट में कि 10 लाख का रेट है, आपने गलत बता दिया 7 लाख का, 12 लाख का रेट चल रहा है, ये तो आपको पता है कि 12 लाख का रेट चल रहा है, लेकिन एक ट्वीट, एक सपोर्ट आप नहीं कर सकते। और अगर आप नहीं कर सकते तो कृपा करके आप, कोई भी आपको हक ही नहीं है कि आप इनके लिए कुछ बोलो जो आज परेशान है, जो अपने लिए अपनी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। सो आज के लिए यही मैं आपको बताने आया हूं, खेल वही है, कम कट ऑफ रहेगी, 100% कम कट ऑफ रहेगी, फिर भी बाहर हो जाएगा 75 वाला, क्योंकि नंबर शुरू जो होंगे 95 से होंगे, 90 से होंगे, 89 से होंगे, 85 से होंगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा 70 वालों का। इतने तो 3300 ही तो सीटें हैं, भर दी जाएंगी, फिल कर दी जाएंगी, फिजिकल में जो पास कर रहे हैं उनका भर दिया जाएगा, कहां नंबर आएगा आपका? ये हटेंगे तो आप सिलेक्शन लोगे ना। तो हमारी लड़ाई सिर्फ इन्हें हटाने के लिए है, कट ऑफ को लेके नहीं है। मत गुमराह हो, मत उनके चक्रों में पड़ो जो आपको कह रहे हैं कट ऑफ आई जाएगी, मत उनके बहकावे में आओ जो कह रहे 15-15 नंबर ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी 15 नंबर ऊपर, फिर भी आप बाहर हो जाओगे। समझा दिया आपको क्यों बाहर हो जाओगे, 90 से गिनती लेना शुरू करेंगे यार, वो 95 से गिनना शुरू करेंगे, 95, 94, 93, 92, 70 वाले का नंबर जब आएगा, जब लास्ट के 2, 4, 10, 20, 300 सीटें बच जाएंगी और उसमें भी कंपटीशन इतना हो जाएगा कि जिसका नंबर खुले दिल से आ जाना चाहिए था उसका नंबर भी नहीं आएगा और वो कट ऑफ क्लियर करके भी वो लिस्ट उन 10% में रह जाएगा जो इस भरोसे रहेगा कोई मेडिकल में फेल हो तो काश मेरा नंबर आ जाए। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल लॉजिकल आपको बात मैं बता रहा हूं, हमारी लड़ाई कट ऑफ पे नहीं है, मत गुमराह होइए, उन लोगों को बाहर करना है ताकि वो 2000 लोग निकले तो आप 2000 अंदर आओगे, ठीक है, वो बाहर निकलेंगे तो ही आपको नंबर मिलेगा। फैसला आपके हाथ में है, क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा काम था, मैं हमेशा आपको कहता हूं, आई एम योर मेंटर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, सो अगेन मैं कह रहा हूं कि मेरा फर्ज है आपको सही राह दिखाना, क्योंकि एक शिक्षक का, एक मेंटर का ये फर्ज है कि आपको सही रास्ता दिखाना, चलना ना चलना आपके हाथ है। जय हिंद।